आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, कोरोना का कोटा में बड़ा विस्फोट हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कोरोना का कोटा में बड़ा विस्फोट। पिछले 24 घंटे में कोटा में सामने आए अचानक से 60 केसेस। अधिकांश पॉजिटिव मरीज ट्रेन से दूसरे राज्यों से कोटा पहुंचे, ये जानकारी मिली है। प्रशासन ने इनमें से कुल 250 लोगों के करवाए थे कोरोना टेस्ट, और एक साथ समझिए 60 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग हालांकि मोर्चा संभाल चुका है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विकास शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बहुत बड़ी खबर है, 24 घंटे का आंकड़ा, 60 केसेस अचानक से। देखिए दीपा, राजस्थान की बात करें तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पहले की तुलना में काफी कम केस आ रहे थे। लेकिन आज एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है जो कि कोटा से निकल के सामने आया, जहां की पिछले 24 घंटे के अंदर 60 कोरोना के नए केस सामने आए। अभी कुछ ही देर पहले मेरी चिकित्सा शिक्षा सचिव जो है उनसे बात हुई थी, साथ में जो NHM डायरेक्टर जो की पूरा मॉनिटरिंग करते हैं उनका फीडबैक लिया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोटा के अंदर बाहर से दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए लोग पहुंच रहे हैं, उन्हीं का स्क्रीनिंग कराया गया था। कुल 250 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई थी, जिसके अंदर की 60 जो है पॉजिटिव मिले हैं, जो कि काफी दिनों बाद में राजधानी जयपुर को पीछे छोड़ते हुए आंकड़ा बढ़ा है। 60 केस मिलने के बाद में चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। कोटा जो जिला अधिकारी है उनसे, मुख्यालय से जो अधिकारी है वो सीधा संपर्क साध रहे हैं, और साथ में स्क्रीनिंग जो है उस पर विशेष फोकस दिया जा रहा है, ताकि कह सकते हैं कि ये जो इस तरह केस बढ़े हैं, लेकिन जो पॉजिटिव निकले हैं उनके अलावा जिनका टेस्ट हुआ था जो ठीक हैं, उनको भी कहीं क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर रहा है कि चिकित्सा महकमा? क्योंकि अगर फिर घर उनको भेज दिया जाएगा, वहां जाकर फिर कोई पॉजिटिव निकल जाता है, वो तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए दीपा, अभी कुछ ही देर पहले प्रशासन के पास, मुख्यालय जो बैठे हुए अधिकारी उनके पास पूरा डेटा सामने आया, उसके बाद उन्होंने अभी VC जो है वो चल रही है, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन जो है VC ले रहे हैं, तो जो जिला अधिकारी है उनसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा। साथ में जो एहतियातन इंतजाम है उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कोटा जो है बड़ा शहर है, बाहर के लोग कोटा में ज्यादा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के साथ में वो शिक्षा नगरी है, बाहर के जो स्टूडेंट है वो वहाँ ज्यादा आते हैं। इसको देखते हुए एहतियातन पूरा अलर्ट जारी किया गया है कोटा को लेकर के। और विकास, क्योंकि कोचिंग सेंटर भी अब खुल चुके हैं, बच्चे भी अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंच चुके हैं, ऐसे में अगर ऐसे केसेस निकलते हैं तो एक बार परेशानी बड़ी सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए भी। और